टुडे वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th लेसन 3rd एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं। इसमें सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपके पास टू इक्वेशंस गिवन है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ए प्लस बी एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखिएगा क्योंकि ये एक्स और वाई जो है ब्रैकेट में है, तो पहले हम इसको ओपन करके सिंपल फॉर्म में जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने ये इसमें मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी का एक्स में, यानी कि ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई बाय वाई और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है तो इनके सॉल्यूशन के लिए हमने जो थ्री आपको मेथड्स बताए, एल्जेब्रिक मेथड थ्री टाइप्स, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब हम ये इक्वेशंस को आप देखेंगे दोनों को, ये देखने के बाद ये तय करेंगे कि इसमें कौन सा मेथड इजीली जो है हम उसमें यूज कर सकते हैं। मान ले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत उससे और मुश्किल हो जाएगा, आपका टिपिकल हो जाएगा। अब सेकेंड मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में उसके कोई भी एक्स या वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए वाई के जो कोफिशिएंट है ए प्लस बी और यहां पर भी वाई का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए यहां पर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो ये सबसे सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थर्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा समय लगेगा, तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और दोनों में क्या है पॉजिटिव साइन है तो इनको सबट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि ये भी आपको बताया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड जब यूज करते हैं तो उसमें टू टाइप्स हैं, एक एड द इक्वेशन एंड सेकेंड सबट्रैक्ट द इक्वेशन। तो एड द इक्वेशन कब होता है कि जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, अगर उनके साइन अपोजिट होते हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस हो, तब हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर दोनों के सेम साइन है, दोनों के पॉजिटिव है और नेगेटिव हो, तो हम उसमें सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर सेम साइन है तो हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, और इसमें क्या होगा सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी गेट। तो आपके पास ये आ गया, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको बताया कि भाई जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब आपने इनको सबट्रैक्ट किया तो ये दोनों पार्ट इक्वल है और अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गए। यहां पर ए स्क्वायर प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए। और अब आपके पास क्या है, ये एक्स है, एक्स आपका कॉमन आ जाएगा और एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या है ए माइनस बी और ये माइनस हो गया तो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये दोनों नंबर आपके माइनस में हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा माइनस ए एंड माइनस बी। एंड नाउ इक्वल में ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास एक तो माइनस टू ए बी हो गया और एक आपके पास माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस टू बी स्क्वायर हो गया। अब आपके पास क्या है, ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल और ये क्या हो गया माइनस टू बी, तो ये आपके पास हुआ माइनस टू बी एंड एक्स। एंड यहां पर आपके पास माइनस टू बी कॉमन ले लें तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा टू बी कॉमन लेके ए और माइनस माइनस प्लस देन बी और फिर एक्स इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो डिवाइड बाय टू बी इसको कर देंगे हम, आपके पास जो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा माइनस का टू बी और ये माइनस टू बी से ये कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू आपके पास हो गया ए प्लस बी, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये वैल्यू आपकी एक्स की आ जाती है तो x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में वन में या टू में उसको पुट कर दें और फिर हम y की वैल्यू उसमें फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें अब आप ये करिए,
putting the value of x, in equation first. अब इक्वेशन फर्स्ट में जब आप इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है ए माइनस बी और x की वैल्यू आपने निकाली है यहां पर a प्लस बी, तो आप x की जगह यहां पर पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई और इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर. अब आपके पास क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें आइडेंटिटी आप यूज करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपने फर्स्ट में पुट किया तो ये आपके पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी है इसमें हमने यूज की तो ये आप प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर. अब आपके पास क्या है ये वाई वाले टर्म को यहां रखेंगे और ये बाकी टर्म उस तरफ ले जाएंगे आप. तो यहां पर क्या है ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे. ये स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस. अब आप देखिए ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके पास क्या हो गया ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस टू ए बी एंड वाई इक्वल्स टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. अब आपके पास ये वाई की वैल्यू आ गई है ये एक्स की वैल्यू आ गई है. सो आंसर क्या हुआ x इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड y इक्वल्स टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये आपके पास के सॉल्यूशंस हो गए ये आंसर हुआ. अब इसमें क्या है कि आप उसको वेरीफाई करने के लिए x और y की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं. x की वैल्यू यहां पर पुट की y की वैल्यू यहां पर पुट करें और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा. जैसे x की वैल्यू आपने a प्लस बी पुट की तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहां पर a प्लस बी है और यहां पर आपने क्या किया y की वैल्यू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी ये पुट कर दिया, तो a प्लस बी से वो कैंसिल हो जाएगा वहां से टू ए बी आएगा, तो माइनस का टू ए बी और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही आपका ये लाना है. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जहां पर न्यूमरिक पार्ट है वहां तो a और b के बजाय अगर यहाँ 2x प्लस 3y होता तो हम उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब ये इस तरह के हमारे पास जो टर्म्स आ जाते हैं जिसमें एलजेब्रिक फॉर्म में आते हैं तो वहां पर फिर ये प्रॉब्लम होती है. तो लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आप उसको मेथड आपको आता है सॉल्व करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. धन्यवाद.